नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। आरएसपुरा में जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टूनी, बीडीसी चेयरमैन तरसीम सिंह तथा पंचायत सतवाली की सरपंच बीना देवी ने संयुक्त रूप के साथ गांव सतराइया से लेकर गांव मोठे तक जाने वाले मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। पहले चरण के तहत सड़क पर तारकोल डालवाने के कार्य पर कुल 20 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित गांव के कई गणमान्य लोग विशेष तौर पर उपस्थित रहे। आज हमारी पंचायत सतवाली में गांव सतराइया में जो आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया है, जो रोड का काम ये गांव सतराइया से लेके वीरपुर तक और मोटे तक का ये रोड का काम हमें आज इसका उद्घाटन किया है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि जो ये मिलकर जो हमने अपने पंचायत में जो हमने विकास का जो काम शुरू किया है और जनता से जो हमने वादे किए हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और जनता से भी यही मेरी अपील है कि पंचायत के साथ मिलकर चलें। यही नहीं कि हर काम में राजनीति हो, जब पंचायत और जनता साथ चलेगी तभी ये काम होगा और विकास होगा हमारा। और जो मोदी सरकार ने जो एक मंत्र दिया सबका साथ सबका विकास, विकास तभी होगा जब जनता साथ चलेगी। और जो हमने ये कम से कम 40 लाख का जो प्रोजेक्ट था हमारा, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने अब पंचायत ने और जो हमारे पूर्व मंत्री थे श्यामलाल चौधरी, इनकी ही देखरेख में जो हमने प्रोजेक्ट जो प्लान बनाया था उनकी देखरेख में जो प्रोजेक्ट बना था हमने, और जो 20 लाख का जो टेंडरिंग हुई है और 20 लाख जो पीछे रह गए जो हमें अगले मार्च अप्रैल में इसका ये दोबारा हम काम जो इसमें लगाएंगे। और मैं श्याम चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो आज ये जो रोड बनने जा रहा है, जो रोड बनने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही जो हमारे आज बीडीसी के चेयरमैन और बीडीसी के चेयरमैन हमारे साथ आए हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो आज हमने ये काम शुरू करवाया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और जय हिंद जय भारत। आज ये जो ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ है से लेके ये मोटे तक जाएगा, ये 40 लाख का प्रोजेक्ट था, तो फंडिंग की वजह से पैसे कम ले लिए हैं, 20 लाख ले लिए हैं, आधा कम हो जाएगा, आधा मार्च अप्रैल में हो जाएगा। लोगों को इसकी बड़ी सुविधा मिली है, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों की बड़ी डिमांड थी, तो आज हमने सबने मिल के इस रोड को काम को स्टार्ट कराया है और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ इस रोड की कि लोगों को इससे बहुत फायदा होगा, लोगों खेतों में रोड जाता है, कॉलोनी बन रही है, लोगों को इस रोड का बहुत फायदा मिलेगा। जय हिंद जय भारत। हाँ जी, सबको बड़ी मुबारक की घड़ी है और जो अभी उद्घाटन समारोह आपने देखा है सभी ने, मैं सबसे पहले सतराइया के सभी गाँव वासियों को और ख़ासतौर पर जो ये नीमपुर से मोटे तक जो बस्ती नहीं बन रही है उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारी छोटी बहन दीना सरपंच, जिनको अभी आपने सुना, तरसेम मेरे भाई जो यहाँ के बीडीसी के चेयरमैन हैं, पंच हैं श्याम जी और बाकी सारी पूरी पंचायत के लोग यहाँ हैं, सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एज ए जब से हम ये डीडीसी का चुनाव जीते हैं तो उस वक्त से ही मैंने तमाम गांव में जो जो प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए थे सालों से उनको प्रायोरिटी दी है और उनको साथ प्रायोरिटी फिक्स करके ये टेंडरिंग करवा के अलॉटमेंट तक मैंने इनका पीछा किया, क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली थी तो मेरा सबसे पहल थी कि सर्दियों से शुरू होने से पहले पहले मेरे ब्लॉक का काम जो है वो प्रायोरिटी पे ख़त्म हो। और मैं समझता हूँ कि आप जम्मू में जितने भी ब्लॉक देखेंगे डीडीसी के, हमारे ब्लॉक नंबर 1 होगा जिसमें हमने सबसे तेज़ी से कार्रवाई की। और उसका हमारा सबसे बड़ा बात यही थी कि हमने उद्घाटन समारोह को एक सभी लोगों को जोड़ के प्यार मोहब्बत की राजनीति से सभी को इकट्ठा करके ये जो हमने शुरुआत करी यहाँ पर, उसके कारण विकास में तेज़ी आई है। और एक बात बड़ी अच्छी कही हमारी छोटी बहन ने, सरपंच ने, कि जो मिल के विकास होता है वो सबसे तेज़ और अच्छा होता है, क्योंकि इससे ही समाज आगे बढ़ेगा और जितना प्यार रहेगा समाज के अंदर उतनी ही तरक्की ज़्यादा होगी। हाँ,
कहीं कुछ कुताहियाँ रह सकती हैं, कोई ना कोई, हम भगवान नहीं बने हैं, हम सिर्फ आपके माध्यम से एक चुनाव जीते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कहीं कोई काम त्रुटि भी रह सकती है, कहीं कोई काम रह भी सकता है, लेकिन हम वचन